नहीं फिर तुसी भी लेके तो वापस घर जाओ पैदल। तू पीछे बैठे हैं मगरो बंदा ले जांदा है। ठीक है तेरे को टाइम है ले जा। तू भी अगे बैठे हो, तू भी पीछे बैठे हो जनाब, तू भी ले सकते हो। यार उथे गल की हुई थी तेरी, मेरी की गल हुई है? ओ बंद कर दो। यकीन मानो मैं सो ही नहीं पाया सुबह से यार, ये पता नहीं कौन से घर में काम चल रहा है, उस काम की वजह से मेरी नींद भी तबाह बर्बाद हो गई है। खैर छोड़ो, अब तो उठ गए हैं, अब वो बंद करे या ना करे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिर जी आज का ब्लॉग अपना करते हैं यहाँ से शुरू। लो अब बंद भी कर दिए। नाश्ता जी अभी अपना लग चुका है, जिसमें है गर्मा गर्म चने, साथ में दही और नान। और ये चने ना जिस दुकान से अबू ने मंगवाए हैं ना, वहां से मैं बचपन से चने खाता आ रहा हूँ, मतलब ये मेरे फेवरेट है, आप ये भी कह सकते हैं। अम्मी जी कहाँ काम चल रहा है? सुबह 7 बजे से यकीन मानो आँख खुली हुई है, और मुझे तब भी 7 बजे इतना गुस्सा आ रहा था, और अभी तकरीबन सुबह के 10 बज चुके हैं। मैं ना बस लेटा ही रहा हूँ, ढीठ बनकर लेटा रहा हूँ कि नहीं मैंने सोना है सोना है सोना है, लेकिन ये शोर शराबे की वजह से फिर मैं सो ही नहीं पाया। अबे ये क्या लेकर आया है? चावल। अच्छा अच्छा चलो जी चलो, आता हूँ मैं। मामू जी दरअसल ना घर पे मामू आए हैं गाँव से, तो वो चावल वगैरह लेकर आए हैं, अम्मी ने मंगवाए थे उनके हाथ हमारी फसलों के चावल। और अभी ना मैं अपना वॉलेट उठा रहा हूँ इस वाली गाड़ी से, क्योंकि मैंने जाना है दूसरी गाड़ी में, और जाना हम लोगों ने है एजल को दम करवाने के लिए। गाड़ी में जा रहे हो? नहीं इस वाली गाड़ी में नहीं जा रहे, दूसरी गाड़ी में। अम्मी तो आ जाए ना। ओ उससे ये लग रहा है, इससे पकड़ो, इसीलिए चीखे मारी आ जाओ मेरे पास। और एजल का दम इसलिए करवाना है क्योंकि पिछले तकरीबन 18 से 20 दिनों से इसकी खांसी नहीं जा रही, और अम्मा जाने खाया कि इसको क्या हो गया। अम्मी गला खराब है, कंडी कंडी पता नहीं क्या होती है भाई ये कंडी। अम्मी ने कहा है कि इसका दमशुम करवाते हैं तो ये ठीक हो जाएगी। चलो जी बैठो जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमान। चलो इधर आप अपनी मामा के पास चलो, क्योंकि बाबा ने अभी करनी है ड्राइव। अम्मी लोगों को मैंने तकरीबन चलती चलती गाड़ी से उतारा है, क्योंकि जिस इलाके में मैं अभी हूँ ना, यहाँ पर गाड़ी रोकने की बिल्कुल जगह नहीं मिलती। तो अभी अम्मी गए हैं हेजल का दम करवाने के लिए, और मैं और कमल गाड़ी में है, बिकॉज हम दोनों जा नहीं सकते थे, क्राउडेड एरिया होता है, तो मास्क भी पहन कर जाते तो पहचाने जाना था। तो अब फिर जो तुमने हेजल के लिए ड्रेस लेना है वो खरीद लें, बिकॉज जब तक अम्मी फ्री होंगी तब तक हम लोग ड्रेस भी खरीद लें। डन 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 चलो चलो चलते हैं। A few minutes later. उधर तो मैं गाड़ी खड़ी कर ही नहीं कर सकता था, इसलिए मैं अभी कपड़े लेने आ गया था। फ्री हो गई हो? नहीं नहीं आप ये हसन चौक वाली साइड पर, उस साइड पर आए मैं आ रहा हूँ। अम्मी और इधर लोग तो हो चुके हैं फ्री, कवल को निकाल तो अंदर से, बिकॉज वो एक ड्रेस लेने के लिए गई थी और अभी तक निकली ही नहीं है भाई। अम्मी लोग फ्री हो गए हैं। हाँ बस एक सेकंड। हाँ बस चलो निकलते हैं। चलो आजो 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 जल्दी जल्दी, इनको मैं रख देता हूँ पीछे और चलता हूँ अम्मी लोगों को पिक करने के। सुल्के वो देखो वो जा रहे हैं, वो देखो बेचारे यार, क्यों उनको तुमने खपाया, वो देखो जरा वो पकड़ो पकड़ो एजल का पकड़ो। आजो 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 आजो। हाँ जी गुरु जी दम हो गए, अब ठीक हो? क्या कहता है अभी ठीक हो जाएगी? कह रहा ठीक है, हो जाएगी इंशाल्लाह, अगर ना हुई तो कल फिर दोबारा ले आना। अच्छा चलो ठीक है जी, बाकी उम्मीद है अल्लाह के घर से कि इंशाल्लाह एकदम से ही ठीक हो जाएगी। एहतियातन फिर भी ले आएंगे ना, ताकि जो थोड़ी बहुत कसर रहेगी वो भी पूरी हो जाए। हाँ जी अम्मी ये दम वाला कोई पैसे जैसे भी लेता? नहीं, नहीं वो कुछ नहीं लेता, वो कहता मस्जिद में वे डाल दो, मैं मस्जिद में पास मस्जिद है मैं डाल दी उसमें। चलो ठीक है, ये तो अच्छी बात है यार। घर वापिस आ चुके हैं हम लोग, और मेहमान पता नहीं कहाँ चले गए हैं, मामू लोग आए हुए थे। अम्मी से पूछती हूँ, अम्मी मामू लोग चले गए हैं अफसोस करने? अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ वो हमारे एक करीबी रिश्तेदार है, उनके यहाँ पोती हो गई थी, अल्लाह ताला उनकी मगफरत फरमाए, तो अब्बू मामू और समी मेरा कजन वो लोग गए हैं अफसोस करने के। और जी हमारा मानू भाई, वैसे तो इसका नाम ईमान है लेकिन मैं इसे मानू भाई कहता हूँ प्यार से, जिसको कि कल 103 बुखार था। अब तुम्हारा बुखार ठीक हुआ ईमान? तबीयत ठीक है? अरे तबीयत का तो बता दो। चुप कर बे कुत्ते। नहीं बताना जी, वो अपना टीवी देखने में मसरूफ है। एजल तो रास्ते में ही सो गई थी, अभी उसकी अम्मा ने उसको लटा दिया अंदर रूम में। और मेरा भी प्लान है कि कपड़े छपड़े चुके मेरे प्रेशराइज करके रख दिए गए हैं, तो फिर कपड़े अपने चेंज कर। सुबह से जिस शोर ने मुझे डिस्टर्ब किया है वो ये वाला शोर है जी, ये भाई साहब काम कर रहे हैं और सुबह से इनका काम चल रहा है। उस्ताद जी क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो यार? मैं तो कपड़े चेंज करने आया हूँ, तुम यहाँ लेटे हुए हो, देखो तो सही दिन कितना चढ़ गया, तुम अभी तक रजाई में ही लेटे हुए हो। तेरी आवाज़ पहले थल्ले आ रही थी। हाँ
चल यार उठ नीचे जा ताकि मैं अपने कपड़े इस रूम में सुकून से चेंज कर दूं। जाओ जाओ वॉशरूम में नहीं ना यार, वॉशरूम गीला शीला, कपड़े नहीं चेंज होते, कपड़े सारे गीले हो जाते हैं, फिर वो गीले कपड़ों के साथ ठंड लगती है। जाओ सही है, हाँ जाओ ना, कैमरे में बोल देता हूँ मैं जा रहा हूँ। कैमरे में नहीं बोलो बेटा, वैसे जाओ, सही कह रहा हूँ, सही है चाचू जी, हाँ जाओ, ठीक है जाओ जाओ, जाते हैं, जा रहे हैं यार, रूम है ना, जा, नहीं ना मैंने इधर चेंज करने हैं, जा दफा हो, अत्थे की है तेरा, यार बड़ा अजीब आदमी है, चल ठीक है मैं ही दूसरे रूम में चले जाता हूँ। मैं ही आ गया हूँ जी अब दूसरे कमरे में, और हमारे इस वाले कमरे में ना ये मेरी अम्मी के दहेज में आया था जब अम्मी की शादी हुई थी, ये तब से ड्रेसिंग टेबल वैसा का वैसा ही है यार, चेक करो लकड़ी काफी ज्यादा मजबूत है ना, अब वाली चीजों को तो खराब होने में सिर्फ और सिर्फ 2 से 2.5 साल चाहिए, और इस ड्रेसिंग को तकरीबन अब तक कोई 35 साल से ऊपर का अरसा हो चुका है, और ये छोटा सा तबला नुमा जो ढोल है ना ये मैं लेकर आया था मालदीव से अपने लिए, जिसके ऊपर वो नाम शाम आपका लिख कर देते हैं। मालदीव वाला ट्रिप चूंकि मेरा दूसरा इंटरनेशनल ट्रिप था तो तब मैं बहुत ज्यादा शौक से इस तबले को खरीद कर लाया था। भाई ये लो, ओए ओए गिर रहा यार, जल्दी जल्दी से अपना कप पकड़ ले, अम्मी ने तेरे लिए कावा भेजा, एक कप तेरा है भाई, एक कप मेरा है। अभी कावा पीते पीते मुझे एक बात याद आई है कि कल चूंकि हमारे घर रहमत आई है, मतलब कि मैं चाचू बना हूँ, निकाश भाई भी चाचू बने हैं, इब्रार भी चाचू बना है, और अम्मा अब्बा एक और बच्चे के दादा दादी बन चुके हैं, तो कल रात में तो मैं और इब्रार मिठाई लेने गए थे लेकिन मिल नहीं पाई थी, अभी जाकर कावा खत्म करके चलते हैं ब्रो और मिठाई लेकर आते हैं, ठीक है, ताकि इतनी खुशी वाले मौके पर मिठाई खाकर एक रस्म पूरी हो जाएगी। चलो भाई चलें मिठाई लेने, आजा आजा उस्ताद जी, चलें किसी अच्छी सी स्वीट शॉप में। आई मिठाई लेकर जी मैं आ चुका हूँ वापस घर। तो क्या हो गया, क्या हो गया, तुम दोनों के बाबा बाबा ना बाहर गए थे मिठाई लेने के लिए, ये भी बाबा बाबा कर रही है, वो भी बाबा बाबा कर रही है, आजो। चल भाई तू अपनी बेटी को पकड़, मेरी को तो उसकी अम्मा ने पकड़ लिया, आजो तुम लोगों को मिठाई खिलाते हैं, आजो आजो अंदर आजो। चलो जी सबसे पहले निकाश भाई को टेस्ट करवाता हूँ, क्योंकि इस वक्त ना ही अब्बा जान है ना ही बिग भी है, बिग भी अमेरिका है, अब्बा जान फोतकी पर गए हुए हैं, तो आपसे शुरुआत करते हैं, आप लें जी पहले मिठाई। हाँ? मैं खान लग गया, हाँ? बहुत जबरदस्त है ये चीज, हाँ? अगली दफा पता लगेगा। अच्छा जी, हाँ जी। चलो ठीक है, तुमने ले लिया अपनी अम्मी, अब आप लो मिठाई, मुंह मीठा करो, मुंह मीठा करवाते हैं यार, मेरे एक हाथ में मिठाई का डब्बा है, एक हाथ में मोबाइल है, ये लो अम्मी करवा देती है मुंह मीठा, ठीक है जी, और तू भी मुंह मीठा करवा, खुद खाने में मसरूफ हो गया, एक मिनट अम्मी, थैंक यू, आप भी मुंह मीठा करें, निकाश भाई ने तो खुद ही खानी शुरू कर दी है, ये भाई हमें भी चेक करवा दो, हाँ जी अम्मी को ये भी चेक करवा दो, मेरा भी मुंह मीठा करवा, सबको करवा दो जी, ये लो बच्चों को भी दो, बच्चे चीखे मार रहे हैं, ये लो भाभी आप भी मुंह मीठा करें, मुबारक हो आपको भी, आप भी चाची बन गई हैं। निकाश भाई अब ये आप पकड़े ताकि मैं भी अपनी पसंद की कोई मिठाई खुद से भी चख लूं। मेरा वंश गेन जी सबको मुबारक हो, गुलदस्ता खाओ, गुलदस्ता खोए वाला अम्मी ने बताया, हुई जी ये आपकी वाली है, ये तो वाकई बड़ा मजेदार है यार, अगली दफा मैं भी ये लेकर आऊंगा, एंड तो मलाई है मिठाई दी, के दो जो मलाई आंदी है ना मिठाई दी है मलाई है। अच्छा जी, हां जी, वाह भाई वाह, दादू ने तो बच्चों की पार्टी करवा दी है, अपना चीजों वाला थैला खोल कर कवल ये खाओगी जाली, चलो दूर से मुंह खोलो, मैं यहाँ से थ्रो मारता हूँ जाली को, ठीक है एक मिनट, मुंह सही था ना यार, ऐसे नहीं करो, ओए इतू सा बच्चा है यार, चलो तुम अब फेंक, अब मेरी बारी, मेरी बारी है, इब्रार तू आ, कुछ नहीं हुआ, फैजल को चोटी लग गई है, वो देखो रोने लग गई है, तुम कह रही कुछ नहीं हुआ, हाँ नहीं चलो इब्रार आ कर, मैं यहाँ से फेंकता हूँ, आ कर, ये क्या कर रहा है, आ कर यार, ऊपर से नहीं सामने से ही, और नीचे कर ऐसे, ओए इतना सा बजा है यार, तू फेंक चल, आ कर निशाना पक्का, जनाब ने कैमरा खोला हुआ है और पूरे घर की पिक्चर्स बनाती फिर रही है ये, अब कभी यहाँ पिक्चर खींच रही है, कभी टीवी की पिक्चर्स बना रही है, कर दो ये तुम नहीं मेरे अंगूठे को मोड़ो, मुझे कह दो मैं मोड़ लेता हूँ,
बिकॉज तुम मोड़ रही हो तो ऐसे लगता है कि जैसे उखाड़ कर फेंक दोगी कबस। एक तो नाखून काटो और दूसरी बातें भी सुनो। बातें नहीं सुना रहा मैं, बस कह रहा हूँ वो तुम रोड़ रही हो ना तो ऐसे लगता है कि जैसे वो उखाड़ दो। उलझन होती है यार। बेटा जी अब बाबा का फोन दे दो, बहुत हो गई है आपकी व्लॉगिंग भी और पिक्चर शिक्चर भी आपने बहुत खींच ली है, दे दो ना बस। अब वो देखो ईमान खेल रही है, आप भी उसके साथ जाकर खेलो। नहीं ना, लो कह रही है फोन ही दो मुझे, ये लो पकड़ लो फोन। वो बेचारी फोन में ना पोइम सुनती है, ना नाच सुनती है, ना कुछ और देखती है, ना कार्टून देखती है, बेचारी यही पिक्चर ही खींच रही है, खींचने दो उसको। अच्छा सुबह से मैं बाहर तो ज्यादा खास किया नहीं, तो बस बैठ कर ना मैं बच्चों की एक्टिविटीज देख रहा हूँ। ये मानू भाई को चेक करो, इसने अब मेरा फोन पकड़ लिया और एजल ने इसके वाला इंस्ट्रूमेंट पकड़ लिया, दोनों ने अपने अपने खिलौने एक्सचेंज कर लिए। ओए रख गई है मेरा फोन रख गई है। वाह भाई वाह ब्राट साहब, आपने तो कमाल कर दिया जनाब। समोसे ले आए हैं हमारे खाने के लिए, हाय 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 थैंक यू। ये आलू वाले हैं, चिकन वाले हैं या कौन से वाले हैं? मिक्स मतलब वेजिटेबल्स, चिकन वेजिटेबल। ओके जी फिर तो खाने का और मजा आएगा। हंस रही है। अस्सलाम वालेकुम मामू जी, आ गए अफसोस करके, आ गए हो जी, खैर से आ गए हो। पसीना क्यों आया हुआ है? रोटी खा के। रोटी रोटी खाई, रोटी खाने में पसीने का क्या ताल्लुक है? वाह भाई कहिए ना, ये अलग सी अंपायर बन के घूम रहा है, चेक करी आज क्रिकेट में पैर लग रहे हैं ना, आगे कोडी दा पैर लग रहा है। मैं तो उमरा करके आए हैं, ये भी उमरा करके आया, ये भी उमरा करके आया, तूने किस खुशी में टेंड करवा दी है? चोरी करवा पड़ा है, चोरी करता। हाँ मुझे पहले ही पता था, तो तू पंखे उतारता पकड़ा गया है। मामू ने अभी चूंकि खाना खाया इसलिए अभी मामू लगा रहे हैं सूटा। इनका मानना यह है कि खाना खाने के बाद सूटा लगाया जाए तो एक तो वॉशरूम में बहुत ही कंफर्ट माहौल होता है और दूसरा खाना हदम शदम भी हो जाता है। और हमारे गांव में ना ऐसे लड़के को कहते हैं कि खाते पीते घर का बेटा है। जा नाक साफ करके आ, ओ नाक साफ करके आ, ओ हाथ, ओए हाथ पे लग गया, निकाश पीछे हो जा, पीछे हो जा, यकीन मान इतना भरा हुआ है नाक इसका, इतना भरा हुआ है। चल जा वॉशरूम से साफ करके आ, ये चेक कर यार। कट वो आपका सर दर्द हो रहा है, इसीलिए ये आई मसाजर आपने सर पर लगाया हुआ, तो इससे फर्क पड़ता है? बड़ा वैसे तो ये आंखों के लिए, लेकिन अगर तो सर के लिए भी कार आमद है तो फिर बहुत जबरदस्त है। लो जी दूसरे बुजुर्ग भी चेयर पर आराम फरमाए। मामू कैसा फील हो रहा है? ठीक है। मामू कहते अच्छा फील हुआ। इधर गाड़ियाँ क्यों बाहर निकल रही हैं? क्या हुआ है? गर्दन में बल पड़ गया। कैसे? वो इधर की सीट निकाल रही थी बहुत गंदा, गाड़ी से वो ऐसे किया। तो ये जा कहाँ रहे हैं? आइसक्रीम खाने। तुम लोग तो मेरे बगैर, मैं भी आता हूँ, चलो आओ चलो निकल। नहीं मैं भी चलूंगा, आ जाओ जाने दो, गाड़ी भाई निकालो बहुत, जाने दो। चलो कवल तू बैठो, मैं दरवाजा लगा देता हूँ। एम्पायर राजा तू भी साथ चल, कर दे जोर लगा के हैशिया। चल हो गए, हाथ में भी दर्द निकल आया। चल आ जा, रहने दे बस, ठीक है जितना हो गया। खोल दरवाजा, चले। ओए ये दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा? बाहर से कुंडी लगी हुई है। खोलो यार, कुंडी लगा दी थी। अच्छा बंदा है तू, ये मेरा रिच भी बेचारा नहीं खोल पा रहा था दरवाजा। चलो बैठो। कवल कर रही है ड्राइव और भाभी भी आगे बैठ चुके हैं, मैं नकाश भाई और हमारा ये वयन पीछे बैठ चुके हैं। यार बात सुनो, आइसक्रीम को रहने दो, हम लोग खाते हैं गोलगप्पे। क्यों है ना लेकिन अगर गोलगप्पे खाने ठीक है, नहीं तो फिर पिछे बैठे है, मगरो बंदा लह जाता है। गोलगप्पे बिला वजह क्यों लड़ रहा है? अच्छा नकाश भाई की ना आदत है बिला वजह छोटी छोटी बात पर ना लड़ाई झगड़ा शुरू कर देते हैं। शादी माई है ये हमारे घर की, ओ इंट मारनी है, मैं तू ईंट उठा ले, मारी मुझे ना, इसको मार दी।
ਉਹਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਾਲ ਰੋੜੇ ਵਰਜਣਗੇ ਭਾਜੀ ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਤੇ ਚਲੋ ਯਾਰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਭਾਈ ਆਪਣੀ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਖਾ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੋਲ ਗੱਪੇ ਤੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਲੜਾਈ ਲੜਾਈ ਮਾਫ ਕਰੋ ਅੱਲਾ ਦਾ ਘਰ ਸਾਫ ਕਰੋ ਗੋਲ ਗੱਪੇ ਦੀ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਨਵੀਂ ਆਈ ਹੈ ਯਾਰ ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਲੜ ਪੜਾ ਹੈ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਯਾਰ ਲੜਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਸੁੱਤੇ ਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਖਿਆ ਕੀ ਆਖਿਆ ਆਓ ਚੱਲੀਏ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਖਾ ਮੈਨੇ ਗੱਲ ਮੈਨੇ ਨਹੀਂ ਖਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਬੰਦੇ ਨੇ ਖਾਇਆ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਬੰਦਰ ਨੂੰ ਕਿਨੇ ਠਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਤੂੰ ਨੇ ਉਠਾਇਆ ਭਾਈ ਉੱਠ ਕੇ ਠਾਈ ਤਾਂ ਕਾਸ਼ ਭਾਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਠਾਈ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਉੱਠਿਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਠਿਆ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਠਾਇਆ ਜਾਗ ਰਹੀ ਜਾਣ ਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਜਾਣ ਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਜਾਗ ਰਿਹਾ ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ ਨਗਾਜ ਫੇ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਯਾਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਸਮਝ ਉਹ ਯਾਰ ਨਾ ਯਾਰ ਤੇ ਗੋਲ ਗੱਪੇ ਤੂੰ ਖਵਾ ਅਮਰ ਰਸਤਾ ਦੱਸ ਦੇ ਤੇ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਖਵਾ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲੈ ਜਾਓ रास्ता यार सीधे ही जाना है कबल जाने दो आज अल्लाह खैर ही करे क्योंकि एक औरत के हाथ में ड्राइविंग आ गई है और साइड पर भी दूसरी औरत बैठ गई है बस सेफली पहुंच जाए क्यों चोरी यार खुदा दा खौफ वो चेक करो कितना डरती है ये भाभी से बोले ही नहीं मैं देखो अपनी बीवी के खिलाफ बात कर रहा हूँ की हाँ ठीक है जी तू बाद तू माफिया मंगनिया चंगा ऐसा काम ही ना करे बाद माफिया मंगनिया मांगी नहीं माफी पहले ही नहीं काम में जरा कर दे बाद जो कहना भाभी से नहीं डरता नहीं और दुनिया की किसी शायद नहीं डरता आज अल्लाह कमरे से बाहर सोएगा अल्लाह अल्लाह को डरता है अल्लाह से हर बंदा डरता है मैं भी अल्लाह से डरता हूँ ये भी अल्लाह से डरता है पूछने की जरूरत है हाँ नहीं नहीं बात करता भाई वो वाले डर की मैं बात नहीं कर रहा और कौन सा डर मैं बात कर रहा हूँ मियाँ बीवी के आपस में जो होता है डर यार कोई डर नहीं होता है वो क्या होता है तुमने भी आइसक्रीम खानी थी मैंने इसीलिए पहले आइसक्रीम वाली शॉप पर ले आई है ना शॉर्मा भी खाना है और गोलगप्पे भी खाने हाँ जी तुमने भी आइसक्रीम खानी है गोलगप्पे नहीं खाने मैं बस अकेले ही हूँ गोलगप्पों वाला चेक कराना बड़ी चस आ रही है चेक करा दे एक सिप दे दे सर्दी च किदो भी खाओ ना मजा सर्दी ओ सिप दे दे भाई एक नहीं तू गोल गप्पे खाने दे यार सिप लगा गोल गप्पे खा तू यार ओ यार बड़े तू ना सर गोल गप्पे भी ना मंगी नहीं ना क्यों मंगने नहीं दूंगा नहीं दूंगा नहीं दूंगा मैं भी गोल गप्पे गोल तो लग रही नहीं मैं भी नहीं नहीं एक सिप भी नहीं लगवा रहे यार ईजल दरअसल सो रही थी इसलिए हम लोग उसको घर छोड़कर आ गए थे और अभी जब ही उठी है तो इसका चाचा लेकर इसको हमारे पास आ गया अब इब्रार भी हमारे साथ मिलकर जा रहा है गोलगप्पे खाने के लिए हमारे साथ नहीं मतलब मेरे साथ मिलकर अब पता नहीं उसने भी खाने हैं कि नहीं खाने अभी तक मैं एक अकेला उम्मीदवार तो हूँ ही तुम लोगों ने खाने हैं नहीं नहीं वैसे ही आए हो तुम लोग मेरे साथ साथ जी एक प्लेट ही कर दे बस मैं अकेले ही उम्मीदवार हूँ हाँ एक ही लाए जी लाए आए हाय 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 क्या मजेदार चेक करो नहीं उस्ताद जी एक गल है मजा मनु शेक नहीं है और जा यार वैसे भी तुझे मैंने गोलगप्पों का मजा लेने भी नहीं देना भाई याद है ना एक सिप भी नहीं दी और इसे तो मैंने तरस खाकर पानी भी दे दिया नहीं तो पानी भी नहीं देना था स्ट्रॉबेरी ये लो जी स्ट्रॉबेरी फ्रूट चाट नहीं है गोल गप्पे हैं तुम्हें क्या पता कभी ऐसे खाए हो तो पता चले फ्रूट चाट क्या बेहूदा लग रहे देखो देखो अब तुम लोग देखेंगे इतने देर लग गया सारा इधर भी देख रही है क्या हो गया गोल गप्पे तो यार मैंने खा लिए हैं लेकिन उनमें ना मिर्च थोड़ी ज्यादा थी तो कोई मीठी चीज पड़ी है दूसरी गाड़ी में तो कोई मीठी चीज नहीं है है क्या लड्डू ओए होए होए हाँ ये सही है यार ये मुझे ही दे दे बस मैं ये खा लूंगा हाँ बस ठीक है इधर ही लगने दे उस्ताद थोड़ी सी और आगे कर ले जाए थोड़ी सी बस ठीक है ओके चले जी खैर ऑफिस से खा पी कर हम लोग पहुंच चुके हैं वापस घर और अब अपने भाई को दें आज के ब्लॉग से इजाजत क्योंकि अब बस बेड पर लेटना है और फिर सो जाना है तो अब मिलेंगे कल आपसे एक नए ब्लॉग के साथ देखना कौन है मुझे लगता है इब्रार साहब आए हैं तब तक के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड पुश द बेल आइकन ताकि हर आने वाला नया ब्लॉग आपको घंटी बजा के नोटिफिकेशन देता रहे बाय बाय टेक केयर अल्लाह हाफिज़ All my blessings